जी आप ऐसा कीजिए कि मेरे घर पे डिलीवर करवा दें, फिलहाल मेरा निकलना मुश्किल होगा। जी ऑफ कोर्स आई अंडरस्टैंड, थैंक यू सो मच। आफरीन, जानती हो जब अम्मी ने मुझे तुम्हारी शादी के बारे में बताया तो मैंने ना क्यों किया था? इसलिए नहीं कि तुम हमारे अकाउंटेंट करीम चाचा की बेटी हो या फिर तुम में कोई ऐब है, इसलिए कि मैंने तुम्हें हमेशा अपनी बहनों की तरह समझा है और मैं नहीं चाहती थी कि तुम्हारी शादी जहांजेब जैसे आदमी के साथ हो। काश तुमने मुझे उस वक्त बता दिया होता कि तुम जहांजेब से नहीं बल्कि मुर्तजा से शादी करना चाहती हो। ठीक कह रही हैं आप। काश उस वक्त मैं ये हिम्मत कर लेती तो आज आप इस तरह इस हालत में। इतनी गलत थी तुम उस वक्त भी और आज भी। मैं जानती हूं जहांजेब कैसा आदमी है और इसलिए वो तुम्हारे दिल में जगह नहीं कर पाया। समझती हूं इस बात को आफरीन, लेकिन जो बात मुझे नहीं समझ में आती वो ये कि इस घर का भरोसा तोड़ते हुए मेरा और अम्मी का बिल्कुल ख्याल नहीं आया। आफरीन, कैसे भूल गई कि तुम इस घर की बहू थी? क्यों तोड़ दिया इस घर का मान? देखो आफरीन, आज मैं एक बहन की तरह तुम्हारी सारी बातें सुनूंगी। प्लीज मुझे खुलकर बताओ कि ये सब हुआ क्या। बोलो आफरीन, प्लीज कुछ तो बोलो। इन सवालों के जवाब मैं नहीं दे सकती।